अकेले अपने थोड़ा सा दूर बैठा है। सोल की बात करें, दे हैव टू एंटर द सर्कल, एकदम एज पे लाइनिंग पे दिखनी है टीम, सर्कल के अंदर एंट्री लेना चाहेंगे। अब यहां से टीएक्स को क्रॉस करना पड़ेगा, टीएक्स चाहे तो वेट कर ले चाहे तो फाइट का इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि सोल आगे बढ़ चुके फाइट करने के लिए। टीएक्स से प्लेयर स्प्रे बड़ी प्यारी थी, यहां पे डैमेज देने की कोशिश थी, बट अल्ट्रॉन ऑलरेडी थोड़ा सा डैमेज यहां पे खा चुके। अक्षत बाहर निकल गए, यूएमपी इन द हैंड स्पॉट करेंगे मामी को, भागते हुए बड़े प्यार से टेक डाउन कर देंगे। इट वाज वेरी इजी, इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर देम, बट अब यहां पे अक्षत के ऊपर भी डैमेज पड़े, खुद को भी बचाना पड़ेगा। रिज का एक बहुत तगड़ा कवर, बात करेंगे प्लेयर थ्री की, इज जस्ट वेटिंग। ओमेगा कोशिश करेंगे यहां पे फर्स्ट एड पॉप करने की, दो प्लस को ऑलरेडी बिखरा दिया गया है। टीएक्स भी अब प्रेशर पे आते दिखे, गोब्लिन सर्कल के एचए बैठे दिखे, ओमेगा एचपी उनकी भी कम थी, बट फर्स्ट एड ऑलरेडी लगा चुके हैं। नाउ दे हैव टू एंटर द सर्कल, टाइमर 0-0 ऑलरेडी हो चुका है। ओन प्लेयर इज जस्ट वेटिंग, लेट द प्लेयर्स कम इन एंड देन उसके बाद कैपिटलाइज करेंगे, कुछ करेंगे, देन उसके बाद स्प्रेस देने की कोशिश करेंगे। 2-2 की स्प्लिट पे सोल ऑलरेडी निकल चुकी है सर्कल के अंदर आने के लिए, बूस्टर्स लग चुके हैं, स्प्रे देने का मौका मिलेगा। प्लेयर 3 को स्पॉट किया, डैमेज काफी तगड़ा, बट नाउ द सर्कल इज ऑलरेडी स्टार्टिंग। सर्कल के अंदर पीछे नहीं जाएंगे मुझे लग रहा है, एंड यहाँ पे सोल को नहीं जान देंगे, दोनों तरफ से यहाँ पे डैमेज है, दोनों तरफ से फाइट आपको होती दिखेगी जब तक कोई एक टीम नहीं बचती। बट एट द एंड जब वो एक टीम बचेगी, वो सर्कल के अंदर कैसे एंटर करेगी, एक काफी बड़ा सवाल। क्यों? क्योंकि जब वो सर्कल के अंदर एंटर करेगी, माइट भी जो सर्कल के अंदर प्लेयर्स बैठे यानी कि रेकनिंग एंड सेल्सियस के, वो दिक्कतों में डाल सकते हैं। मीनवाइल बात करते हैं टीम एक्स पार्क के बारे में, एक व्हीकल ब्लास्ट आता है, एक नहीं दो दो प्लेयर्स को टिक डाउन कर दिया जाता है। सोल के प्लेयर्स अब बैकफुट के ऊपर जाते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे, और अभी के लिए चारों के चारों प्लेयर्स थे यहाँ पे भी, यहाँ पे दो प्लेयर्स हो गए, वहां पे भी दो प्लेयर्स हो गए, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो चुका है सरदार जी। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत तगड़ा डिसएडवांटेज है। नाउ दे आर गोइंग फॉर द फाइट, ओमेगा की तरफ से एक बढ़िया स्पेक्ट देखिए, रेकनिंग प्लेयर हूं यहां पे टीएक्स के, न्यू प्लेयर को भी टेक डाउन कर देंगे। चार टीमें 11 खिलाड़ी, मजा बहुत ज्यादा आ रहा है देखने में। रेकनिंग के प्लेयर टीएक्स न्यू प्लेयर को कंफर्म करेंगे।